आपका नाम? मेरा नाम नीलेश तिवारी, आप कहाँ से हैं? भाईखला मुंबई से। आपको क्या हो गया था? मेरा प्लेटलेट 37,000 हो गया था। और फिर क्या तकलीफ होती थी अगर प्लेटलेट बहुत कम हो गया था तो? बहुत वीकनेस हो रहा था और बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जैसे मैं चल फिर नहीं सकता था पूरी तरह से। और मैंने जिससे रिपोर्ट भी निकलवाया है कि मेरा 37,000 था 25 तारीख, तो बाद में मुझे राजस्थान ने बताया कि थोड़े पत्ते गर्म करके पानी में, जिससे मेरा 2-3 बाद प्लेटलेट 27 तारीख को 1,70,000 हो गया, जिससे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और डॉक्टर को भी ताजुब हो गया कि 1,70,000 2 दिन में कैसे हो गए। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं नीलेश तिवारी की ये रिपोर्ट है, तारीख है 25 और हम देखेंगे प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट है 37,000। आप देख सकते हैं 37,000 है प्लेटलेट काउंट 25 तारीख की रिपोर्ट में। अब हम देखेंगे 27 तारीख की रिपोर्ट में, यह है नीलेश तिवारी की ही रिपोर्ट और रिपोर्ट की डेट है 27। उसमें देखेंगे प्लेटलेट काउंट हो चुका है 1,70,000। नीलेश ने जो ट्रीटमेंट की, उस ट्रीटमेंट करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लो प्लेटलेट जो डेंगू मलेरिया और दूसरे किसी भी कारण से हो सकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपको यकीन होता है कुछ पत्ते का उबाल के पीने से आपका प्लेटलेट बढ़ा? ये शरीर में जो कमजोरी रहती है तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब सही हो जाता है तो बहुत सारा रिलीफ मिलता है। यानी आपको हकीकत में रिजल्ट भी दिखा और शरीर में जो कमजोरी थी वो भी आप अभी अच्छा फील कर रहे हैं कि प्लेटलेट बढ़ो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, या थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग नीलेश। थैंक यू सर।